आज की वीडियो उनके लिए बहुत खास है जिन्हें फैंसी एडवेंचर के साथ मैजिकल कहानी वाली मूवी पसंद है। दोस्तों, जो मूवी के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही दमदार और जादू से भरी हुई है, और दोस्तों एक बार आप उसे देखोगे तो ये मूवी आप कभी नहीं भूल पाओगे। मूवी नंबर वन। दोस्तों इन सभी मूवी की कहानी को पहले एक राइटर C.S. लुईस ने किताबों में लिखा था और इन बुक का नाम था द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। दोस्तों ऐसी 7 किताबों को लिखा गया था और दोस्तों इसकी 3 किताबों की कहानी के ऊपर मूवी को बनाया गया था। दोस्तों मैं आपको इन सभी मूवी के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सी मूवी किस ऑर्डर में देखनी चाहिए। दोस्तों एक बात और, इन सभी मूवी की कहानी आपको एक ऐसी जादुई सफर पर लेकर जाएगी जो कि आपकी कल्पना से परे है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, द लॉयन, द बिच एंड द वार्डरोब। दोस्तों मैं इसकी कहानी आपको ट्रेलर बेस पर बताऊंगा ताकि आप मूवी देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ। दोस्तों मूवी के स्टार्ट में 4 बच्चे होते हैं जिसके नाम पीटर, एडमन, सुजन एंड लूसी ये होते हैं। दोस्तों उनके देश में युद्ध छिड़ा हुआ होता है और जिसके लिए वो अपने अंकल के घर रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अचानक एक दिन एक ऐसी अलमारी में घुस जाते हैं जिसके पार एक ऐसी जादुई दुनिया होती है और उसी देश का नाम होता है नार्निया। दोस्तों वहाँ पर एक शैतानी बिच का कब्जा होता है और वहाँ पर एक राजा और होता है जो एक शेर होता है, और दोस्तों आपको बता दूँ वो शेर बहुत सारी जादुई शक्तियों का मालिक होता है। तो दोस्तों वो शेर उस बिच के आतंक को ख़त्म करना चाहता है जिसमें वो चारों बहुत मदद करते हैं, और फिर बाद में वो चारों राजा रानी बन जाते हैं और सब कुछ ख़त्म करते हैं। दोस्तों यकीन मानो इन सभी के बीच आपको बहुत ही गजब की जादुई शक्ति, एडवेंचर और बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिसका आप यकीन नहीं कर पाओगे। दोस्तों और एक बात और, वहाँ के जानवर जो होते हैं नार्निया देश के, वहाँ के जानवर इंसानों की भाषा बोलते हैं। मैं तुमसे अकेले में बात करूँगा। तो आप यकीन मानो बहुत ही गजब मूवी है, आप इस मूवी को जरूर देखना। और दोस्तों मेरी फेवरेट मूवियों में से एक है और इसीलिए आप इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखना। दोस्तों इस पार्ट को 2005 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb की 6.9 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से। पार्ट 2, क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, प्रिंस कैस्पियन। दोस्तों आप इस पार्ट को तभी देखना जब आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, क्योंकि इसकी स्टोरी आपको तभी समझ आएगी। दोस्तों इस पार्ट में नार्निया की स्टोरी बहुत आगे जा चुकी है। जो चारों बच्चे नार्निया के राजा और रानी होते थे, वो उनके लौटने के कई सौ साल बाद नार्निया की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जो नार्निया के जानवर इंसानों की तरह बोलते थे वो अब छुपकर रहने पर मजबूर हो गए थे, और दोस्तों वहाँ सब इंसानों की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन उनमें एक राजा भी था जिसका एक लड़का था, उसका नाम था प्रिंस कैस्पियन। दोस्तों वो राजा कई सौ साल पहले एक मिशन पर चला जाता है और वो वापस नहीं आता है, और वो प्रिंस अकेला रह जाता है। लेकिन उसका एक चाचा भी होता है जो उसकी गद्दी को हथियाने के चक्कर में होता है, और इसी बीच वो राजकुमार अपनी जान को बचाकर महल से भाग जाता है और उसे एक ऐसा जादुई बिगुल मिलता है जिसके बजाने पर वो चारों राजा रानी जो नार्निया को छोड़कर चले गए थे वो वापस आने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों आप देखना कि वो किस जादुई तरीके से नार्निया देश में वापस आते हैं और फिर प्रिंस कैस्पियन की मदद करते हैं, और फिर प्रिंस कैसे सभी हालातों को सामान्य करता है। और दोस्तों वहाँ के राजा असलन जो कि एक शेर होता है वो बहुत जादुई होता है, उसका इस मूवी में क्या रोल होता है ये आप खुद देख लेना। दोस्तों इसकी स्टोरी में सिर्फ एक ट्रेलर बेस पर होता है, वास्तविक में ये कहानी बहुत बड़ी और बहुत ही मज़ेदार जादू से भरी हुई है। इस पार्ट को 2008 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb की 6.5 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से। दोस्तों एक बात और, अगर आपको ये मूवी कहीं नहीं मिल रही है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको लगभग सभी मूवी के लिंक मिल जाएंगे। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी बहुत ही खूबसूरत मूवी के बारे में अक्सर आपको बताता रहता हूँ और आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। पार्ट 3, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, द वॉइस ऑफ द डाउन ट्रेडर्स। दोस्तों वैसे इसके पहले दोनों पार्ट गजब के हैं, लेकिन मुझे ये पार्ट बहुत ही मज़ेदार लगा क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही खूबसूरत और जादुई एडवेंचर से भरी हुई है। दोस्तों एडवेंचर के मामले में बहुत ही गजब मूवी है स्पेशली। दोस्तों इसीलिए आप इस मूवी को मिस मत करना। आपको सिर्फ इसकी ट्रेलर बेस पर थोड़ी स्टोरी बताऊंगा शॉर्ट में, तो आपको ये मूवी आपको ज़्यादा एक्साइटेड लगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि इसके दूसरे पार्ट में चारों राजा रानी वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं और प्रिंस कैस्पियन को राज देकर चले जाते हैं, लेकिन इस मूवी की कहानी में बड़े राजा और रानी वापस नहीं आते हैं, सिर्फ लूसी और एडमन ही इसकी स्टोरी में वापस आते हैं, और उसका एक चचेरा भाई भी आता है। और दोस्तों आप देखना कि एक कैसे जादुई तस्वीर के जरिए वो नार्निया देश में वापस पहुंच जाते हैं और उसी में राजकुमार प्रिंस कैस्पियन से मिलते हैं। दोस्तों इस मूवी में आपको गजब का मायावी खजाना भी देखने को मिलेगा।
दोस्तों इसमें प्रिंस कैस्पियन अपने पिता को ढूंढने निकलता है जो कि कई सालों पहले एक सफर पर गए होते हैं। दोस्तों वहां एक जादुई धुंध का अंत करने के लिए निकलते हैं जो कि धीरे धीरे लोगों को गायब कर रहा होता है। अब ये धुआं कैसे बनता है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, और उसी सिलसिले में ऐसी जादुई 7 तलवारों को ढूंढने के लिए प्रिंस कैस्पियन निकलता है जिसके जरिए सब खत्म हो सकता है। 7 तलवारों को ढूंढने के लिए किस जादुई एडवेंचर सफर को आपको देखने का रोमांचक मिलेगा ये आप इस मूवी को देखकर पता कर लें। तो कुल मिलाकर आप यकीन मानो दोस्तों बहुत फेवरेट मूवी है मेरी, तो आप इसको ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों ये तीनों पार्ट देखने के बाद आप सिर्फ यही कहोगे इट्स ऑसम, तो दोस्तों आप इसको ज़रूर देखना। इस पार्ट को दोस्तों 2010 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb की 6.3 की रेटिंग मिली था आउट ऑफ 10 में से। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप वीडियो लाइक करते हो। और हाँ दोस्तों अगर दोस्तों आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए स्टे फिट, बाय बाय, टेक केयर।